नेक्स्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ यारो का जो आपका एग्जाम होना है उसका जो है एग्जाम सेंटर आपका कहाँ जाएगा, आपका एग्जाम सेंटर कहाँ होगा और एग्जाम डेट को लेकर की भी हम लोग यहाँ पर कुछ बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम डेट को लेकर के कल से बहुत सारी न्यूज आ रही है जो कि यहाँ पर मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ कि इसका जो है ऑफिशियल एग्जाम डेट क्या हो सकता है और आपका जो एग्जाम सेंटर है वो कहाँ होगा, सिर्फ इलाहाबाद में होगा या फिर पूरे यूपी में या फिर ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि आप लोगों के इस पर बार बार कमेंट्स आ रहे हैं और सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो मैंने सोचा इस वीडियो के माध्यम से आप सबको इसकी जानकारी दे दूँ कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ जाएगा। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं इस दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को बहुत ही शॉर्ट में। लेकिन उससे पहले कहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं या और आरओ यारओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों आप सबको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ यारओ या फिर यूपी पीसीएस आरओ यारओ को लेकर के ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो जा चुके हैं, क्योंकि आप लोग यूपी पीसीएस आरओ यारओ के लिए भी बार बार कमेंट करते हैं कि इसके लिए वीडियो बनाइए। तो आपको बता दें मैंने प्लेलिस्ट बना दिया हुआ है, वहां जाके आप देखिए सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज आ चुके हैं, बुक लिस्ट पे करंट अफेयर्स कहां से पढ़ना ये सब पे मैं वीडियो बना चुकी हूं। और आपको बता दें इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ यारओ के लिए जो है दो इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि मैंने बनाया है कुछ दिन पहले ही, एक तो बुक लिस्ट पे जो कि आपके एकदम एग्जाम के अकॉर्डिंग है, आपको बस और बस उसी बुक से पढ़ने हैं, मैंने बहुत ही आपको शॉर्टकट मेथड बताया है वहां पे, और जो है इंग्लिश के लिए इंपॉर्टेंट बुक कौन सी पढ़नी है आपको, इस दोनों पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट इसके लिए भी अलग से बना हुआ है। तो चलिए आज के टॉपिक पे बात करते हैं। तो दोस्तों आप सबको बता दें कि जो इसका नोटिफिकेशन आया था इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ यारओ का, तो उसमें इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि आपका एग्जाम सेंटर जो है वो कहाँ जाएगा, तो इसके लिए आप लोग जो है कंफ्यूजन में है, क्योंकि इस बार जो एग्जाम है एनटीए करा रही है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ये तक कमेंट करते हैं कि इस बार एनटीए एग्जाम कंडक्ट करा रही है तो क्या एग्जाम जो है आपका ऑल ओवर इंडिया रहेगा। तो आपको बता दें कि देखिए एनटीए बस एक एजेंसी है एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, और आपका जो एग्जाम सेंटर है वो डिपेंड करेगा कि आप कितने सारे यहाँ पे फॉर्म डले हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपका जो एग्जाम सेंटर है वो दो मेन सिटीज में होंगे, जैसे कि प्रयागराज इलाहाबाद में और दूसरा लखनऊ में। अगर कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो कि फॉर्म अप्लाई करते हैं बहुत ज़्यादा होंगे, तो और भी अलग अलग सिटीज़ में आपके एग्जाम सेंटर जाएंगे, लेकिन आपका जो एग्जाम सेंटर है वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही होगा, यूपी के सारे मेन मेन सिटीज़ में आपके एग्जाम सेंटर होंगे। अब बात कर ले एग्जाम डेट की, तो आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था और ये वीडियो जो है आप सामने देख रहे हैं, इस वाले वीडियो में मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि आपका जो एग्जाम डेट है वो 15 अक्टूबर के बाद किसी भी डेट पे हो सकता है, किसी भी डेट पे आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। और आपको बता दें कि कल ही ये जानकारी मिली है, कल ये जो है ये एकदम कंफर्म डेट है आपके लिए कि आपका एग्जाम डेट जो है वो 16 अक्टूबर या फिर उसके बाद किसी भी दिन हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ मैं बता दूँ आपको, लॉजिकली आप लोग खुद सोचिए कि आप देखेंगे तो अक्टूबर का जो 15 अक्टूबर से पहले का टाइम है वहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो कि एनटीए खुद कंडक्ट करवा रही है, यूजीसी नेट वगैरह का, तो उससे पहले पॉसिबल है नहीं। और उससे पहले 10 तारीख को यूपीएससी का एग्जाम भी है प्री एग्जाम, उसके बाद आप देखेंगे तो 24 अक्टूबर को आपका यूपी पीसीएस प्री है, और फिर आप देखेंगे तो अक्टूबर के लास्ट वीक से लेकर के और नवंबर के 15 नवंबर तक जो है ना यूपीएसआई का पेपर होना है। तो ये सारे एग्जाम्स लगे हुए हैं, तो इसके साथ क्लैश ना हो इसकी वजह से जो एग्जाम डेट है आपका इधर ही होगा, क्योंकि 15 नवंबर के बाद ही फिर कोई डेट खाली हो पाता है, तो इसके लिए जो है ये आपका एग्जाम जो है इधर ही रखा जा रहा है। एग्जाम डेट आपका 16 अक्टूबर और उसके बाद और भी कुछ डेट्स पे होंगे, क्योंकि एक दिन में तो सारे एग्जाम्स हो नहीं सकते हैं, क्योंकि आरओ एआरओ सबका अलग अलग पेपर होगा। तो दोस्तों मैं ये जो बात है मैं आपको कुछ दिन पहले ही 4 दिन पहले बता चुकी थी, लेकिन कल से ये न्यूज कुछ ज़्यादा ही वायरल हो रहा है, तो मैंने सोचा कि आपको इस पर स्पष्ट कर दूँ, तो बता दूँ कि इसको आप ऑफिशियल मान के चलिए, आप इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। और इसीलिए मैंने आपके लिए 40 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी तैयार किया था, जिसके हिसाब से मैं आपको बुक्स बताई हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए, उस वीडियो को जरूर देखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपके दोनों ही कन्फ्यूजन दूर कर दिए, जैसे कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ होगा, अब इसको लेके आप कमेंट नहीं करेंगे कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ जाएगा, और दूसरा जो है आपका एग्जाम डेट जिसको लेकर के कल से बहुत सारे न्यूज़ वायरल हो रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं इतना जल्दी पेपर नहीं हो सकता है। तो आप लॉजिकली सोचिए, पास्ट एग्जाम्स को देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो इसका लास्ट डेट होता है फॉर्म अप्लाई करने का, उसके 1 मंथ बाद ये एग्जाम्स करवा लेते हैं। आप जो दोनों ही पेपर को देखिए, 2018 में जो एआरओ की वैकेंसी आई थी
दिसंबर में नोटिफिकेशन आया, जनवरी में इसका फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट था और फरवरी में आपका पेपर हो गया। सेम उसी तरह आरओ का, तो इसका एग्जाम जो है बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट रिजल्ट आता है, बहुत ही फास्ट ज्वाइनिंग भी होती है। तो इसीलिए आपके पास टाइम बहुत कम है, बस और बस 40 डेज आपके पास बचे हुए हैं। आप इसमें जो है अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर लीजिए और अपने लिए एक जॉब आप सिक्योर कर सकते हैं दिसंबर तक। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा और आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि पेपर आपका जो है अक्टूबर में हो या फिर नवंबर में हो या फिर उसके बाद दिसंबर में हो। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।